एवरीवन, आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने मेकअप कलेक्शन। यस, मैं अपने मेकअप कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ जो कि एकदम अफोर्डेबल है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं लेके जा सकते हो, आप इजीली कैरी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात की आपको हर जगह, हर मार्केट में, हर लोकल मार्केट में अवेलेबल मिलेगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। और ये आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, लाइक आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, स्कूल गोइंग गर्ल हो, वो कर सकते हो। और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो वीडियोस हाथ में जो भी आ रहा है मैं वही शेयर करती जा रही हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फाउंडेशन। इसके लिए है मेरे पास ये एक पॉन्स की बीबी क्रीम, एंड दूसरी है लैक्मे की सीसी क्रीम। ये दोनों एकदम नॉर्मल टू लाइट कवरेज के लिए है, ये एवरीडे यूज़ के लिए है। एंड तीसरा है, ये भी लैक्मे का है, ये थोड़ा हाई कवरेज के लिए है और इसका शेड है पर्ल। एंड नेक्स्ट है ये लिप बाम। ये लिपस्टिक से पहले मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, बहुत प्यारा सा है ये। एंड देन आता है लिपस्टिक। ये लिपस्टिक है ADS का, ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, बहुत ही एकदम मैच करेगा आपके स्किन के साथ, बहुत ही प्यारा है। एंड नेक्स्ट है ये भी ADS का है और ये वाला मैंने अभी यूज़ कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। एंड इसके बाद आता है आईलाइनर, जो कि ये है मेरे पास ब्लू हेवन का, दो है मेरे पास, एक है लैक्मे का। ये बहुत स्मूथ टच देता है, बहुत ही ज़्यादा। और अब आता है मेरे ये काजल, ये भी है ADS का, ये भी बहुत प्यारा है, ये एकदम फैलता नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस। और अब आता है ये लिप लाइनर, ये भी ADS का है। एंड देन मस्कारा, मेरे पास दो मस्कारा है, ये दोनों ब्लू हेवन का है। एंड नेक्स्ट इज प्राइमर, ये हुडा ब्यूटी का जेल बेस प्राइमर है, बहुत ही अच्छा है ये। और प्राइमर के लिए मैं और एक चीज़ यूज़ करती हूँ, वो है एलोवेरा जेल, और इसे मैं एज अ प्राइमर एंड एज अ मॉइस्चराइजर दोनों यूज़ करती हूँ। और ये है जॉनसन्स बेबी का ऑयल, इसे मैं एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ। एंड सनस्क्रीन है ये गार्नियर का, ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आता है जॉनसन्स बेबी का ये क्रीम, इसे मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ जब स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और अब आते हैं मेरे कुछ मेकअप ब्रशेज, ये मिनी मेकअप ब्रशेज हैं और इसमें छोटे छोटे एज अ लिपस्टिक अप्लाई करने के लिए ये हैं। ये छोटे छोटे जो फेशियल हेयर आते हैं उसे क्लीन करने के लिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज दिस, ये इसमें बहुत ही प्यारा प्यारा सा शेड है, आई शेडो पैलेट। एंड इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मिलते हैं 4 लिपस्टिक, ये भी बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही प्यारा प्यारा शेड है इसमें, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। ये मैं बस फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए रखती हूँ, बिकॉज ये काम नहीं करता उतना अच्छे से, ब्लेंड नहीं करता, तो मैं बस फाउंडेशन इससे अप्लाई करने के बाद ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड नेक्स्ट इज दिस लैक्मे का पीच मिल्क, ये भी बहुत अच्छा है, ये जब हल्का हल्का समर्स होते हैं तब मैं यूज़ करती हूँ। सो ये थे मेरे एकदम मिनी मेकअप बॉक्सेस के एकदम कलेक्शन, जो कि बहुत ही कम हैं बट सारे एकदम यूज़फुल हैं, आपको बहुत ही अच्छे से मेकअप ये डन करता है। अगर आपको नॉर्मली मेकअप करना है तो एकदम बहुत ज़्यादा हाई कवरेज करना है तो नहीं हो सकते, हाई कवरेज के लिए दूसरा, बट इसे एकदम मिनी है बिकॉज ये सारे आपको नॉर्मली कहीं जाना है, एकदम लाइट कवरेज मेकअप चाहिए आपको, एकदम नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए, तो इसके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स एकदम इजी होते हैं अप्लाई करने में। मैं यही सब हमेशा यूज़ करती हूँ, मोस्टली हमेशा इसे ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जब